हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हो गुनगुन ऑलराउंडर्स। सो आज हम लोग दिवाली मेकअप लुक करने वाले हैं फॉर टीनेजर गर्ल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने प्राइमर से। और हाँ, मैंने यहाँ पे स्किन केयर अपना सब कर लिया है, तो आप लोग भी सबसे पहले अपना स्किन केयर कर लेना एंड फिर उसके बाद प्राइमर लगाना, ठीक है। तो चलो प्राइमर को हम थोड़ा सा ले लेते हैं अपने यहाँ पे थंब पे और फिर उसके बाद अपने पूरे फेस पे डॉट के फॉर्म में लगाएंगे। एंड प्राइमर लगाने से ना हमारी स्किन पूरी अच्छे से एकदम स्मूथ हो जाती है और अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है इस पे। तो इसलिए मेक श्योर प्राइमर ज़रूर लगाना एंड थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे प्राइमर। तो ये देखो, थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेना क्योंकि सब कुछ इवन लगना चाहिए। जो भी हम फेस पे मेकअप करेंगे नेक पे भी मेकअप कर लेंगे, उससे इवन लगेगा हमारा, नहीं तो फिर वो अलग से लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। एंड कमेंट्स करना कि आपकी दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है। एंड या चलो अब मेकअप करते हैं। मैंने ड्रेस पहले से पहन लिया था क्योंकि बाद में मेकअप होने के बाद ड्रेस में लग जाता है मेकअप, तो इसीलिए पहले ड्रेस पहन लिया और प्राइमर लगा लिया। अब फाउंडेशन की बारी आती है। तो यहाँ पर मैं 9 to 5 लैक्मे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है लाइक टीनेजर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा कवरेज देता है। तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं एंड अब फेस पे अप्लाई करते हैं। डॉट के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, इससे ना इवनली स्प्रेड होता है पूरे फेस पे। तो ये देखो, अच्छे से लगा लेते हैं फाउंडेशन और ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि बहुत इजी होता है उसे ब्लेंड करना। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ। तो आईज पे भी थोड़ा सा मैं लगा लूँगी, आप लोग चाहे तो कंसीलर वगैरह लगा लेना। और आई मेकअप आज का बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम लोग थोड़ा ग्लिटरी आइज़ करेंगे, बिकॉज दिवाली है तो थोड़ा चमकीला चमकीला तो बनता है ना। तो इसीलिए चलो अभी फाउंडेशन ब्लेंड कर लेते हैं। एंड या अभी मैं यहाँ पे अपने भाई से भी बातें कर रही थी, वो सामने बैठा हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं, अब ब्लेंड करते हैं एंड फिर आगे का आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लुक ये रिक्रिएट हुआ आपने पहले में देख लिया होगा जब मैंने हेयर स्टाइल वगैरह सब बना लिया। हेयर स्टाइल की भी वीडियो जल्दी आएगी, वो भी आप लोग देखना। एंड कान में भी थोड़ा सा लगा लेंगे क्योंकि सब कुछ इवन लगना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा नेक पे भी ये देखो लगा लेना अच्छे से, और सब कुछ ब्लेंड अब हमने कर लिया अच्छे से। तो अब हम लोग चलते यहाँ पे लगाएंगे कॉम्पैक्ट लैक्मे का है ये, और इसे अपने पूरे फेस पे लगाएंगे जैसे अच्छे से हमारा फाउंडेशन जो है बेक हो जाए। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं एंड फिर लगा लेते हैं पूरे फेस पे। और ये जो ये कॉम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका थोड़ा सा देख सकते हो कलर थोड़ा फेड हो जाएगा और अच्छे लगोगे। तो चलो इसे लगा लेते हैं एंड फिर उसके बाद मैं आपको अपना दिखाऊंगी कॉन्टोर कैसे करते हैं। कॉन्टोर करना भी बहुत इजी है, बस मैं यहाँ पे मैं थोड़ा ही कॉन्टोर कर रही हूँ क्योंकि हम टीनेजर हैं। तो यस, तो चलो कॉन्टोर करते हैं। तो कॉन्टोर करने के लिए पास भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो यहाँ पर मैंने मैक का लिया है आई पैलेट, और इस आई पैलेट से ना बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये देखो ब्राउन कलर जो देख रहे हो ना, इससे हम कॉन्टोर करेंगे। एंड ये आई शेडो पैलेट है, बट इससे हम लोग बहुत सारा काम कर लेंगे। तो चलो, इससे मैंने थोड़ा सा अपने ब्रश पे ले लिया है ब्राउन कलर एंड इसे अपने मैं चीक्स पे लगाऊंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देना एंड अब देखो चीक्स पे लगा लेंगे ऐसे। थोड़ा सा ऐसे आपको ट्विस्ट करना है अपने फेस को एंड या बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे इधर की तरफ करना लिप्स की तरफ एंड ये हो जाएगा। देख सकते हो थोड़ा सा कॉन्टोर आ गया हमारे चेहरे पे, और अच्छे से कर लेते हैं इस तरफ भी कर लेते हैं। तो ये देखो, तो चलो अब कॉन्टोर भी हमारा डन हो चुका है और अब हम लोग थोड़ा सा लगाएंगे ब्लश। ब्लश आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए एंड आई थिंक बहुत सारे लोग लगाते भी होंगे ब्लश। तो चलो ब्लश लगाते हैं एंड इससे पूरा अच्छा हमारा फेस लुक फेस मेकअप हो जाएगा। क्योंकि फेस मेकअप मैं इसलिए पहले कर रही हूँ, इससे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। आप लोग चाहे तो पहले आप लोग आई मेकअप भी कर सकते हो फिर फेस मेकअप कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश लिया है मैंने और इसे लगा लेते हैं स्माइल करते हुए। स्माइल करके लगाना, इससे अच्छे से ब्लश लग जाएगा। तो ये देखो, ऐसे हम ब्लश लगा लेंगे अपने पूरे चीक्स पे, रेड पिंक वैसे मैंने लगाया। और हमारा ब्लश लग चुका है, तो अब हम लोग लगाएंगे हाइलाइटर। एंड हाइलाइटर से ना आपकी फ़ोटो जो है बहुत अच्छी आती है, तो हाइलाइटर तो मेक श्योर लगाना ही लगाना। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और फिंगर प्रिंट मैंने लिया, आप लोग चाहो तो ब्लश अरे ब्रश भी ले सकते हैं। और बस लगा देना अपने ब्लश के ऊपर, ठीक है, और बहुत अच्छा सा आ जाता है। थोड़ा सा नोज़ पर भी लगा लेंगे और थोड़ा सा चिन पर,
तो ये सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा हाइलाइटर। तो ये देखो अच्छे से लग चुका है। और अब हम लोग करेंगे आई मेकअप। तो अब हमारा फेस मेकअप बचा हो गया है और अब हम आई मेकअप करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैक का पैलेट लिया है और इसमें से हम अपने कलर चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउन चूज़ करेंगे बेस के लिए। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला ब्रश भी ले सकते हो, पर यहाँ पे मैं दूसरा वाला ब्रश ले रही हूँ। तो चलो फटाफट से इस ब्रश से आई मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले बेस के लिए जैसे मैंने बताया था ब्राउन कलर ले लेंगे और इससे अपना क्रीज एरिया बनाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ क्रीज कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे अपने ऐसे डैप डैप करके निकाल देना है और फिर उसके बाद अपने आईज़ पे हम जहाँ थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो ये लाइन है वहीं पे हमें ऐसे क्रीज एरिया राउंड में बनाना है। तो ये बहुत इजीली बन जाता है क्रीज एरिया। तो ये देखो आराम से बन गया है और बहुत ईजी प्रोसेस है, दोनों आँखों में कर लेते हैं ऐसे ही सेम। सो यहाँ पे अच्छे से क्रीज बना लेंगे दोनों आईज का और अब देख सकते हैं दोनों आईज का क्रीज बन गया है हमारा। ये देखो इवन अच्छे से लग रहा है। और अब हम लोग ब्लैक आई शेडो लेंगे क्योंकि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं स्मोकी आईज, तो इसके लिए तो ब्लैक तो ज़रूरी है ना। तो इसे थोड़ा सा ले लेते हैं एंड अपने आईज में लगा लेंगे। यहाँ साइड में दिखाती हूँ, ये देखो मैं ऐसे बनाने वाली हूँ। एक आईज में मैंने पहले ही कर लिया है जैसे आपको पता चल जाए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ये देखो बस आपको मिक्स कर देना है अपने ब्राउन आई शेडो के साथ और जैसे लाइनर लगाते हो ना बस वैसे ही वी शेप में लगाना है। ये देखो अच्छे से लगा लिया है ऐसे वी शेप में और दोनों तरफ आईज में लग चुका है। अब बस हमें थोड़ा सा ग्लिटर लेना है। यहाँ पे मैंने गोल्डन वाला लिया है, ये देखो गोल्डन वाला ले लेते हैं यहाँ पे और बस इसे लगा देते हैं और ये हमारा तैयार हो गया स्मोकी आईज। तो ये बहुत इजी है और बहुत आराम से बन जाता है। बस आप लोग अपने कपड़े से ना कलर मैच कर लेना। मेरे कपड़े में जैसे गोल्डन था तो मैंने गोल्डन कलर ले लिया और यहाँ पे ब्लैक मैंने ले लिया, ब्राउन वगैरह तो ये सब तो बेस है तो ये सब तो लेंगे ही। सो अब हमारा आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका है और अब हम लोग आईलाइनर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है, ये बहुत अच्छा होता है। तो इसे अपने आईज पे लगा लेंगे और अगर आपको आईलाइनर की ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बना लूँगी आईलाइनर की, क्योंकि आईलाइनर भी बहुत तरीके के लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो हमारा विंग आईलाइनर है वही लगा रही हूँ। ये देखो अभी लग जाए फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा विंग निकाल देंगे बाहर की तरफ और ये दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ऐसे विंग आईलाइनर लगाने पे। तो दोनों आईज पे मैंने लगा लिया है। सो बस फिनिश हम कर देते हैं आईलाइनर को और थोड़ा सा हम आगे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एजेस बना देंगे जिससे पूरा फिनिश लुक आएगा आईलाइनर का। एंड बस हो गया है अब हमारा आईलाइनर एंड अब हम मस्कारा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैक का मस्कारा लिया है और ये बहुत अच्छी ब्रांड है और इसका जितने भी प्रोडक्ट है वो सब अच्छे हैं। तो थोड़ा सा मस्कारा लगा लेते हैं, इससे थोड़ा आईलैशेस हमारी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अगर आपके पास जो आर्टिफिशियल आईलैशेस होती हैं वो भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पर मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे आईलैशेस की जो ग्रोथ है वो ठीक ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ। तो ये अब हमारा डन हो चुका है और अब हम लोग लगाएंगे काजल जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, उससे थोड़ी आपकी आईज़ थोड़ी बड़ी बड़ी लगेंगी और अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे मैं पतंजलि का लगा रही हूँ काजल एंड इट इज़ सो नाइस। जैसे कि मैं सारे प्रोडक्ट अच्छे बता रही हूँ क्योंकि वो सारे अच्छे हैं एंड टीनेजर्स को वो सारे प्रोडक्ट लगा लेने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करते आपकी स्किन को। और यहाँ पर काजल लगा लिया, एकदम एंड तक लगाना, थोड़ा सा भी छोड़ना मत क्योंकि उससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। यहाँ साइड में भी लगा लेंगे और एक आईज़ में देखो लग चुका है और अब हम लोग दूसरा आईज़ में लगा लेंगे। और आप लोग चाहो तो लैक्मे का भी लगा सकते हो, वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा काजल है, पहले था बट वो एक्चुअली क्या हुआ मेरा टूट गया। तो दोनों आईज़ में हमारा काजल लग चुका है अच्छे से और अब हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक जो बहुत अच्छी लगनी चाहिए, लिपस्टिक से पूरा लुक अच्छा आता है। तो उसे लगा लेंगे, थोड़ा सा लगा लेना और लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई है और आप लोग चाहे तो न्यूड शेप जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डार्क रखी है। एंड अब हो गया लिपस्टिक डन, आप लोग चाहे अपने मर्जी से कोई सी भी लिपस्टिक लगा सकते हो जो आपका मन करे एंड बस बिंदी लगा लो और बहुत अच्छा लुक आ जाता है। यहाँ पर मैंने स्टोन वाली बिंदी भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्टोन जैसी ही बिंदी ली है
तो इसको लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पिंक बिंदी ली है। बिंदी लगाने के बाद हमारा पूरा लुक अच्छे से बन चुका है, पूरा मेकअप डन हो चुका है। बस थोड़ा सा हम अपने आईब्रो को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो ब्रश लिया है, उससे थोड़ा सा पाउडर को हटा देंगे। जो हम मेकअप करते हैं तो थोड़ा बहुत पाउडर आ जाता है ना, तो उसी को हटा देंगे। और यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है आईब्रो पेंसिल की, तो इसलिए मैंने आईब्रो वगैरह बनाया नहीं है। और बाकी अगर आपकी बहुत थोड़ी सी है तो आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा बहुत। और बाकी यहाँ पे हमारा पूरा मेकअप अच्छे से डन हो चुका है। अब बस हेयर स्टाइल बना देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। सो फाइनली पूरा मेकअप डन हो चुका है। कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा। हेयर स्टाइल की वीडियो ज़रूर आएगी, उसे भी वॉच करना। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।